सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। वीडियो ऐसा है कि आप सेकंड भर के लिए भी अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है और मैं मानता हूं कि बापू के शब्दों में एक यौगिक शक्ति रहती है। उस यौगिक शक्ति के भरोसे हम करोड़ों गुजरातवासियों के सपने साकार होंगे। मैं बापू के श्री चरणों में वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। મને જે જવાબદારી મળી છે હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે। કે હમારે પરમ પૂજ્ય આશારામ બાપુ કો જ દૈવી શક્તિ પ્રાપ્ત હોઈ હૈ, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज बापूजी का आशीर्वाद मिला और बापूजी के इस भक्त समागम का भी आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति आप सब हो, जब तक आप हो तब तक हम हैं, और मैं समझती हूं कि जब तक आप और आपका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो कोई चीज गलत हो ही नहीं सकता। मैं और वास्तव में शक्ति आपको देख के आ गई, भक्ति आपको सुन के प्रकट हो गई और आपके दर्शन और आशीर्वाद से मुक्ति अब सुनिश्चित हो गई। जा क्यों रहे बापू, भोपाल क्या हो रहा है, सूरत का है गुजारे, आप तो यहीं बस जा, रोज दर्शन करते रहे और भक्ति शक्ति दोनों प्राप्त करके मुक्ति की ओर बढ़ते रहे। काल की गणना के अनुसार चूंकि अब कलयुग लग गया है, इसलिए हृदय की निष्कपटता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या, इनका क्षरण होने लगा है। लेकिन फिर भी अगर धरती टिकी है, और मैं ये सच बोल रही हूं, बापू की चमचागिरी नहीं कर रही हूं, मैं सच बोल रही हूं कि फिर भी अगर धरती टिकी है तो वो इसलिए टिकी है बापू, क्योंकि आप जैसे संत भारत भूमि पर विचरण करते हैं। हम लोग यहाँ आते तो कोई मुख्यमंत्री वगैरह बन के नहीं आते भाई, हम तो बापू के शिष्य हैं, चेले हैं, उनका प्रेम की वजह से आते हैं, उनका आशीर्वाद। अच्छा, जहाँ भी रहे आशीर्वाद, हम तो किसी भी रूप में हर रूप में मानते हैं और उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा रहे, पूरे छत्तीसगढ़ वासी के ऊपर रहे और छत्तीसगढ़ में शांति हो, विकास हो। मैं अपने पूरे साथियों की ओर से बापू जी के चरणों में वंदन करते हुए।
जिस महापुरुष ने, जिस महामानव ने, जिस दिव्य चेतना ने इस धरा के ऊपर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित किया हो, ऐसे महापुरुष के मन दर्शन करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं यहाँ पर मैं अपने आप को आकर के धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। धर्म और राजनीति का जो मिश्रण है ना, ये दुनिया में सबसे बड़ा विस्फोट। याद रखना चौहान, अरे